आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी सरकार द्वारा 15 लाख करोड़ का घोटाला, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव एडवोकेट के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट से रैदोपुर बड़ादेव नगर पालिका से होते हुए कुंवर सिंह उद्यान तक पदयात्रा निकालकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पदयात्रा में कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर, पोस्टर, तिरंगा लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी सरकार द्वारा 15 लाख करोड़ की लूट का खुलासा करते हुए पूर्वांचल अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता पर टैक्स लगाकर अपने मित्रों के 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों से माफ करवा दिए, 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल जैसी कई दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को महंगा कर जनता पर बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 30% से 22% कर दिया है, जिसका भुगतान जनता कर रही है। मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के साथ विश्वासघात किया है। मोदी सरकार जिस तरह सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, इससे पूंजीपतियों को फायदा पहुंच रहा है और इस घाटे को पूरा करने के लिए जनता के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाकर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। मोदी सरकार 15 लाख करोड़ का हिसाब दे वरना गद्दी छोड़ दे। बड़ी संस्थाएं सरकार से साठ गांठ कर अपना कर्जा माफ करवा रही हैं, वह अविश्वसनीय है। जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड 5371 करोड़ के कर्जे में डूबी थी, लेकिन 410 करोड़ में इनका समझौता हो गया। अशोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 29524 का कर्ज था इन पर, लेकिन 5552 करोड़ रुपए में इनका सेटलमेंट हो गया। एमटेक ऑटो लिमिटेड कंपनी पर 12641 करोड़ का कर्जा था, लेकिन इनका सेटलमेंट 2615 करोड़ रुपए देकर ये भी बरी हो गए। बड़ी संख्या में ऐसे डिफॉल्टर कंपनियों के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों का कुल 3,53,655 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। क्या यह दुखद और चौंकाने वाला तथ्य नहीं है कि आज देश का किसान फसल का दाम न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार नौकरी न पाने के दुख में डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेता है, लेकिन इन लोगों का क्या जो देश का पैसा गमन करके बैठे हैं और बिना किसी डर के, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार उनके साथ है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित थरवार। बीजेपी की सरकार अपने कुकर्म से वापस उसी स्थान पे जा रही है जहां से वो आई थी। नेकर पहन के देश बदलने चले थे, हाफ पैंट पहन के देश बदलने चले थे। आज देश का कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसको इन्होंने बेचा नहीं, चाहे वो रेल हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो BPCL हो, सब कुछ बेच डाला इन्होंने, सब बेच डाला। सारी जैसे ऐसा बेचा जैसे लग रहा था इनके दादाजी ने बनाया है, इनके अब्बा ने बनाया है। इस तरह से बेच रहे हैं हमारी संस्थानों को। आरक्षण हमारा खत्म कर दिए, रिजर्वेशन समाप्त हो गया, क्योंकि सरकारी संस्थाएं इन्होंने बेच दिया, खत्म कर दिया। ये देश हम सब का है, 130 करोड़ लोगों का है, चंद भाजपाइयों का नहीं है। ये देश चंद भाजपाइयों का नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों का देश है। और इस देश के लोगों को जिस तरह से सिरिंज लगा करके, टैक्स बढ़ा करके खून की एक एक बूंद चूसने की इनकी योजना है, ये योजना जनता जान चुकी है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में लामबंद हो रही है, और यह मोदी सरकार की नींद हराम हो गई है। ये रुपया लेकर के बांध करके हम खरीद लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि रुपये के बाद भी हमारे जांबाज विधायक, हमारे लोग अपनी जगह पर अडिग हैं और इनकी सारी योजना फेल हो रही है। अब इनका जाने का वक्त आ गया है और आम आदमी का आने का वक्त हो गया है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अब तो सही को सिलेंडर दारा
अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।